लेखन प्रतियोगिता चुनाव संबंधी विषयों पर लेखन प्रतियोगिता करेंगे। पोस्टर बैनर को देंगे ही जो है कार्टून वगैरह जो है वो सब बच्चों में बहुत सारे जो बच्चों में वो प्रतिभा होती है वो अपना जो है निर्वाचन आयोग का जो साइट पर जाकर देखेंगे वो कार्टून के माध्यम से भी जो है उसमें बहुत तरह का मैसेज दिया हुआ है तो उनमें क्रिएटिविटी को जगाना है उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे छोटे छोटे एक्टिविटीज से तो उनमें जागरूकता आएगी। उसके संकल्प रैली भी छोटा छोटा संकल्प कराने के बाद उसको रैली में कन्वर्ट कर देंगे छोटा छोटा दिन में रैली हो जाएगा। आप लोगों को क्या चुनाव पाठशाला के बारे में थोड़ा सा जानकारी है? चुनाव पाठशाला के बारे में समझते हैं कोई आपको बताएंगे चुनाव पाठशाला क्या है? देखिए चुनाव पाठशाला से आप लोग को लग रहा होगा चुनाव पाठशाला जो है स्कूल से संबंधित है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी लिटरेसी क्लब को ही हिंदी में चुनाव पाठशाला कहते हैं। चुनाव पाठशाला जो है क्षेत्र में जो है वैसे लोगों का ग्रुप है जिसमें 14-15 साल के बच्चे रहते हैं, 17-18 साल के बच्चे रहेंगे, युवा रहेगा, बुजुर्ग रहेंगे, महिलाएं रहती हैं और वैसे बच्चे रहते हैं जो स्कूल में 14 साल के जो स्कूल में नहीं गए होते, इन सबों का ग्रुप को ही चुनाव पाठशाला का नाम दिया गया है जिसमें इलेक्शन से संबंधित वाद विवाद ये सब जो है डिस्कशन होता है, उम्मीदवार के बारे में होता है, लोकतंत्र के बारे में होता है, आपका जो मताधिकार के बारे में तरह तरह का जो है डिस्कशन होता है। तो ये भी जो है हम लोग अपने क्षेत्र में जानकारी के लिए बता दी, ये भी हम लोग बताएंगे। इसके अलावा जो है अभी जो है हम लोग का जो है आज जमाना जो है वही का हो गया है 1950 मतदाता वोटर्स हेल्पलाइन जो है 1950 है। इस मतदाता हेल्पलाइन में जो है तरह तरह की जानकारी जो शुल्क उपलब्ध है ये भी हम लोग बताएंगे, चॉकलेट दे रहे हैं पब्लिक उसमें भी सारा इन्फॉर्मेशन और संभव तो आप लोग को जो है सभी मतदान केंद्र के लिए हमने जो है पोस्टर बनाकर दिया है तो उसको भी वहाँ पर लगाना है, संभव तो आप लोग को मिला होगा, मिला है आप लोग को पोस्टर वगैरह वीडियो साहब के माध्यम से भेजे हैं और वीडियो साहब से भी आप लोग बात कर लेंगे तो हर एक मतदान केंद्र पर जो है पोस्टर उसमें आप देखेंगे स्लोगन भी दिया हुआ है तरह तरह का और उसमें आपका जो है वोटर हेल्पलाइन है एक सी विजिल भी ऐप जो है जैसे ड्रेस कोड जारी होगा सी विजिल ऐप भी है। सी विजिल ऐप जो है क्या है इसके बारे में समझते हैं आप? सी विजिल सिटीजन विजिल ऐप ये क्या है? इसमें जो है सी विजिल जो है आपका जैसे ही शुरू हो जाएगा मतदान का ये प्रक्रिया शुरू एनाउंस हो जाएगा उसमें कहीं पर भी जो किसी तरह का कोई शिकायत मान लीजिए शिकायत वगैरह ये वो किसी तरीके के कहीं पर भी कानून बाल लोगन का शिकायत होता है उसको फोटो खींचना है खींच करके शिकायत जो है बता देना। गोपनीयता जो है भंग नहीं होती है, गोपनीयता जो है जो भी शिकायत करता होगा उसकी गोपनीयता वहीं पर रह जाती है, मतलब ऐप नहीं रहेगा बाहर नहीं आएगा। उस पर 45 मिनट के अंदर जो है हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी प्रसार मजिस्ट्रेट और पदाधिकारी है वो तुरंत जाते हैं समस्या का समाधान होता है और उस ऐप का मॉनिटरिंग जो है निर्वाचन आयोग दिल्ली में ही बैठकर किया जाता है, पटना में भी होगा दिल्ली में भी होगा। तो इस प्रकार जो है आपका पीडब्ल्यू के लिए जो पीपल डिसेबिलिटी सब व्यक्ति के लिए भी जो है ऐप है उसमें वो किस तरह जाकर अपना करेंगे उसी तरह जो है आप अपना जो निर्वाचन सूची में आपका जो है नाम है कि नहीं है तो वो है वेरीफाई वहाँ भी जो है आपका ऐप है वो वहाँ जाकर देखेंगे उसमें वहाँ भी वेरीफाई आपका है कि नहीं है। आपका उम्र 18 साल 1 जनवरी हर साल 1 जनवरी को जो है आपको ये होता है मतदान देने के लिए उम्र निर्धारित किया जाता है जैसे इसका 1 जनवरी 2019 से काउंटिंग होता है और 25 जनवरी को जो है हमारा वोटर्स किया जाता है।
उन लोगों को जो है वह काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, वो सही जानकारी नहीं होती उनको जो है वो प्रेरित करेंगे। उसी तरह कॉलेज वगैरह में भी जो है कैंपस सेमेस्टर जो है मनाया जाता है, कैंपस सेमेस्टर का भी काम है कॉलेज वगैरह में जो है उत्साहित करना। और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी टेट प्लस टू वाले स्कूल में भी जो है कैंपस सेमेस्टर जो है आप लोग सारे के भी जो है स्कूल के शिक्षकगण होंगे तो वहां भी हमारा कैंपस सेमेस्टर को क्रिएट करना है। कैंपस सेमेस्टर का काम है जो अभी आप लोग बताए तरह तरह का डिस्कशन डिबेट करना, तरह तरह का उन लोगों को जो है मतदान के संबंध में जानकारी देना। और हम लोग जो है अपना डेली जो एक्टिविटीज है प्रार्थना करते हैं, जो प्रेयर के लिए सुबह में इकट्ठा होते हैं उसके में भी संकल्प ले सकते हैं। 10 लाइन जो है मतदान करने के संबंध में जो है उन लोगों को जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद जो है खेल होगा 10 मिनट का जो है वो एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेखन प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है उसको करेंगे। करने के बाद एक परफॉर्मा अपना लेंगे किस तिथि को जो है अपने दिनांक दे दिए, एक्टिविटीज दे दिए और कितना लोग पार्टिसिपेट किए, मतलब 3 कॉलम में जो है आप बना लेंगे और निश्चित कर दिए। तो 3 कॉलम में जो है रोज का रोज अपना रिपोर्ट एक तरह से बनाते चलेंगे कि आज हमने जो है 15 घंटे में जो है ये संकल्प दिलवाया या मतदान के बारे में ये किया, गोष्ठी किया, डिस्कशन किया, मतदान के बारे में लोगों को बताया, ये साइकिल रैली किया, संकल्प रैली किया या मानव श्रृंखला किया, साधारण रैली किया, जो कुछ भी एक्टिविटी अपने स्कूल से करेंगे।